चला विद्यार्थी मित्रांनो, उतारा क्रमांक 4 अभ्यासू। थोडासा भानावर आल्यावर सगळ्यात आधी अली मोठ्या आशेने शिक्षकांना विचारतो, सर मी तिसरा आलो। देखिए थोड़ा सा जब अली को हमने बताया कि अली को चक्कर आने शुरू हो गए थे तीसरे तारे में, तो जब अली थोड़ा सा होश में आता है, अली जब थोड़ा सा ध्यान में आता है, तो वो अपने सर से बड़ी आशा से बड़ी उम्मीद से पूछता है कि सर मैं तीसरा आया हूँ, सर मैं तीसरा आलो, तीसरा आलो ना। शिक्षकांना प्रश्नाचा अर्थच कळत नाही। शिक्षक जो है, उनके टीचर जो है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा कि अली क्या पूछ रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अली पूछ क्या रहा है। ते उलट मोठ्या कौतुकाने लीला तीसरा नसून तो पहला आल्याचे सांगते। वो अली को कहता है कि अली आप तीसरे नहीं हो, आप पहले आए हो। शिक्षकाचे ते शब्द अलीच्या कानावर पडतात। जैसे ही वो शब्द, जैसे ही वो अल्फाज टीचर के अली के कान में पड़ते, तो कमालीचा निराश होतो, बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। निराश का मीनिंग्स होता है मायूस हो जाना, त्याच्या हृदयात अंकात माजतो, अपन तीसरे आलो नहीं, याचा अर्थ आपल्याला बुटाची जोड़ी बक्षीस म्हणून मिळणार नाही है, त्याच्या लक्षात येतो। उसको समझ में आ जाता है कि देखिए मैं पहला आ गया हूं, मैं जो आना तो तीसरा था, मुझे उस जूते की जोड़ी नहीं मिलेगी, बिकॉज वो जो है जूते की जोड़ी, वो जो तीसरा नंबर आने वाला था उस बच्चे को जूते की जोड़ी मिलने वाली थी, अब मुझे वो बूट नहीं मिलेगी। जाहिर अल्लाह तर त्याने बूट घेऊन येतोच असे जोरदार आश्वासन दिले असत। देखिए उसने आश्वासन दिया तो उसने यकीन से कहा था जहिरा को कि मैं जा रहा हूं और मैं तेरे लिए जूते लेकर आऊंगा। लेकिन अब वो जहिरा को जाकर जवाब क्या देंगे, अली के दिल में और दिमाग में ये बात चल रही है, अपन कोणत्या तोड्याने बहिणी समोर जावे, हे कोड अलीला उलगडत नाही। अब मैं कौन सा मुंह लेकर, अब मैं कौन सा मुंह लेकर अपनी बहन के सामने जाऊंगा, ये चीज अली को समझ में नहीं आ रही है। उरलेल्या समारंभात अलीच्या चेहऱ्यावर हास्याची किंचित ही रेखा दिसत नाही। जो बाकी कॉम्पिटिशनचा जो बाकी प्रोग्राम बचा था, वहां पर अली के चेहरे में मुस्कान की एक हल्की सी कशिश भी वहां पर हमको देखने के लिए नहीं मिली। शेवटी निरुपाय होऊन अलीला घरी जावंच लागतं। आखिरकार निरुपाय होकर यानी अली के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, अली के पास अब कुछ चीज बची नहीं थी, क्योंकि पहला आ गया था, जूते की जोड़ी आपको पता है कि तीसरे नंबर वाले बच्चे को मिलने थी। तो अली जो है घर पर चले जाता है, निरुपयोगी होकर है ना, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो घर पर चला जा रहा है। दारातून आज शिरतो, समोर जहिरा दिसते। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर जाता है तो सामने ही उसको उसकी छोटी बहन जो पहली क्लास में पढ़ती है जहिरा, वो नजर आती है। उत्कठेने त्याची वाट बघणारी रिकाम्या हातात समोर उभ्या राहिलेल्या भावाला बघता जहिरा काय समजते ते समजते। देखिए वो बड़ी उम्मीद से जो है अली का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब अली के हाथ जो है वो खाली देखती है, तो वो जहिरा क्या समझती है वो उसी को बताए। खरं म्हणजे अगर सच देखा जाए तो हा चित्रपट इथे संपतो किंवा संपायला हवा। अगर असल में देखा जाए तो ये फिल्म यहां पर खत्म हो जानी चाहिए थी या खत्म हो गई हो, मात्र त्यात मदद केवल काही सेकंड टिकणारा एक दृश्य, एक नजारा, देखिए कुछ सेकंडों के लिए दिखने वाला एक नजारा वहां पर दिखाई देता है, एक कुछ सेकंदों के लिए दिखने वाला वहां पर नजारा एक दिखाई देता है। दाखवले गेले चित्रपटात अगदी शेवटी, चित्रपट यानी फिल्म के आखिरी हिस्से में बताया गया है, अलीचे वडील सायकल हातात धरून घेतात दाखवलेले आहे। अली के वालिद जो है सायकल अपने हाथ में लेकर जाते हुए नजर आ रहे। सायकलच्या मागच्या बाजूला स्टँडला लावलेली बुटांची दोन खोकी प्रेक्षकांना दिसतात। देखिए जो पब्लिक, जो क्राउड जो है वो फिल्म देख रही है, उनको एक नजर आता है कि जो सायकल अली के वालिद लेकर जा रहे उसमें पीछे जूते की दो बॉक्स रखे हुए, किंचित उघड्या असलेल्या त्या खोक्यातून डोकवणारे बूट एक जोडी अलीची तर दुसरी जहिराची आहे याची साक्ष पटवतात। प्रेक्षक सुटकेत निश्वास टाकतात। इस तरीके से जो है एक बहुत ही उमदा और बहुत ही मजेदार कहानी यहां पर रेणु गावस्कर ने बताई कि किस तरीके से अली और जहिरा को, यानी पहली क्लास का बच्चा और तीसरे क्लास का बच्चा, इन दोनों भाई बहनों को किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। यहां पर इसका बहुत ही सुंदर चित्रण जो है रेणु गावस्कर ने किया है इस फिल्म के जरिए।